हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस चैनल। मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर प्रियंका मैम। तो आज मैं लेक्चर नंबर 2 लेकर आई हूँ, जो हमारे यूनिट 2 स्टार्ट हो गया था बच्चों। तो जल्दी से पेन कॉपी निकाल के बैठ जाइए, और पिछला लेक्चर का अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देख कर आइए, क्योंकि हमेशा हमें हर एक लेक्चर को बहुत अच्छे से सीखना है, जैसा कि मैं पहले वाले लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ। तो बच्चों, पहला लेक्चर हम लोग का बहुत ज़्यादा लॉन्ग था और बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ाई की है उसके लिए। तो उसको पहले अच्छे से आपने नोट्स बनाए हैं, उसको पहले अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने के बाद ही लेक्चर नंबर 2 को देखेंगे। मेरी बात को अगर कोई फॉलो करेगा तो उसका बहुत अच्छा नंबर आने वाला है, ओके। जो फॉलो नहीं करेगा उसका भी आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। चलो, तो पर बात ये ना बच्चों, हम लोग को क्या करना है, अभी अभी आप जस्ट 12th पास करके आए, एंट्रेंस एग्जाम देकर आए, तो मुझे क्या करना है कि आपको ये सारी चीजें सिखानी है, फॉलो कैसे करना है, क्योंकि आपने जिस स्ट्रेटेजी से 11th 12th पढ़ा है, अब आपको उस स्ट्रेटेजी से यहाँ नहीं पढ़ना है, यहाँ थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना है। हाँ, थोड़ा सा आपको टाइमिंग इंक्रीज करना है, जैसे आपने 3-4 घंटे पढ़ते थे, थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। या कुछ लोग कहेंगे कि अरे मैम, हम तो 1 ही घंटा पढ़ते थे, 2 ही घंटा पढ़ते थे, तो उसको और ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो पहले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या कुछ याद है? पहला लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि पहले बात, जो हमारे ये यूनिट 2 है, यूनिट 2 में पहला जो हमारा लेक्चर था बॉन्ड्स के बारे में, तो ये सारी चीजें हम लोग देखे थे। अब हम लोग इस लेक्चर में क्या देखेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी जो आपका ये जो चैप्टर है, कॉन्सेप्ट है, ये पूरा जो यूनिट 2 है, यूनिट 2 में आपका क्या दिया गया, आप अपने सिलेबस को भी हार्ड कॉपी निकलवा लेंगे, सिलेबस पे भी क्या करेंगे, पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे कि ये सारे टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको ये जो चैप्टर है, कौन सा, जैसे हम लोग इसको केमिकल बॉन्डिंग, यानी इसका जो हिंदी में इसका चैप्टर का नाम है रासायनिक बंध, जो रासायनिक बंध के बारे में हम लोग 11th 12th में पढ़े, आई थिंक ये 11th में ये चैप्टर था, ओके। तो इस चैप्टर को हम लोग आज यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जितनी चीजें आप पढ़ चुके, बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट पता है, बहुत अच्छी बात है, बेसिक चीजें आपको पता है, लेकिन फिर भी हम लोग, मैं बोली हूँ ना आपको, मैं केमिस्ट्री 0 से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो हम लोग फिर से सारी चीजों को एक बार फिर से सीखेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हो सकता है हमने 11th 12th में अच्छे से ना पढ़ा हो, तो हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी जो, चलो ठीक है, मैं हिंदी बता रही हूँ, घबराओ मत, अब हम लोग हिंदी इंग्लिश को न ध्यान देकर हम लोग इस बात को ध्यान देंगे कि हमें चाहे कोई उर्दू में क्यों ना पढ़ाए, चाहे कोई इटालियन में क्यों ना पढ़ाए, मुझे वो सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। बात लैंग्वेज की नहीं है बच्चों, बात समझने की, ओके। तो यहाँ पे कहा गया है कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी जो आपका आबंध का जो सिद्धांत है, क्या है, संयोजी आबंध का जो सिद्धांत है, उसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, जिससे हमको पता लगेगा ना कि जितने भी केमिकल कंपाउंड्स में जितने भी मॉलिक्यूल्स है, NaCl हो, CH4 हो, C2H5 हो, जितना भी मॉलिक्यूल बन रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, यानी वो सारे मॉलिक्यूल्स आपको जो दिख रहे हैं पूरे केमिस्ट्री में, लोग पढ़ते हैं ये बन रहा है, ये H2SO4 जितना भी बन रहा है, उन सारे पीछे, उसके पीछे का रीजन क्यों, वो सब बॉन्ड क्यों बनाते हैं, वो सारी चीजों को हम लोग बेसिक से सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, यानी संकरण। आपको हाइब्रिडाइजेशन, संकरण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 2 तरीके से पढ़ाऊंगी, पहले तो मैं आपको पढ़ाऊंगी अच्छे से, उसके बाद मैं एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो मैं कहीं से भी आपको कोई भी एग्जाम्पल उठा के दे दूं, आप उसका तुरंत संकरण निकाल के मुझे बता सकते हैं, बहुत ईजी है। और इसका जब ये एक्चुअली में जब ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग लास्ट में इसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, संकरण पढ़ते हैं, तो हर एक मॉलिक्यूल, हर एक अणु का क्या ज्यामिति होगा, क्या उसकी ज्योमेट्री होगी, उस बारे में हम लोग देखेंगे, और साथ में उसके बॉन्ड एंगल को भी देखते हुए, सीखते हुए चलेंगे, बंद कोड जिसे कहा जाता है, क्लियर है। ये सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। चलो अब बात करते हैं होता क्या है। सबसे पहले संयोजकता बंध सिद्धांत को हम लोग जानने से पहले कुछ चीजों को समझते हैं। आइए, पहले बात तो हम लोग को ये बात पता होना चाहिए, बॉन्ड क्यों बनता है। चलो बताओ, आप लोग हिंदी कर रहे हो, लो हिंदी में ही मैं लिख दी, ठीक है। बॉन्ड क्यों बनता है, यानी कोई भी एटम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अणु या मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल बना, जाहिर सी बात है, एटम आपस में मिले तो जरूर कुछ ना कुछ बॉन्ड बनाएगा। क्यों बनाते हैं बॉन्ड, हीलियम जैसे मान लीजिए, ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है, ठीक, तो ये वाला जो ग्रुप है जिसे क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप, या इसको और क्या कहा जाता है, जीरो ग्रुप, या इसको बोलते हैं अक्रिय गैस, है ना, इसको बोलते हैं निष्क्रिय
गैस है, जिसमें आपका क्या क्या ये पाया जाता है, हीलियम, नियॉन, ज़ेनॉन, क्रिप्टन, ये सारी चीजें पाई जाती है। ये सारे बॉन्ड जल्दी बॉन्ड नहीं बनाते, जैसे कुछ आपको ज़ेनॉन के कंपाउंड के बॉन्ड आपको दिखेंगे। तो जाहिर सी बात है, आपसे एक क्वेश्चन अगर मैं पूछ दूं कि बताइए कौन क्यों बॉन्ड बना रहा है, जो आपका Na है सोडियम में क्यों बॉन्ड बना के NaCl बना ले रहा है, Na क्या अकेला नहीं रह सकता? तो बात ये है ना बच्चों, सबको अपना क्या कंप्लीट करना है, ऑक्टेट यानी अष्टक। क्या अपना सबको क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई इसलिए करें ताकि आपको आगे चल के जॉब मिल सके, ओके, इसीलिए आप स्टडी कर रहे हैं ना। तो बच्चों हर किसी को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब हर किसी को स्टेबिलिटी चाहिए। अगर इसको ऑक्टेट यानी इसको ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं अष्टक, ठीक, अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो सॉरी अष्टक, ठीक। अब यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्टों ने खोज किया तो उन्हें पता चला, ओ हमारे जो जितने भी केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड बन रहे हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, उसके पीछे का कारण ये कि हर एक एलिमेंट या हर एक एटम, एटम का मतलब परमाणु, पिछले क्लास में मैं सारे इन चीजों की हिंदी में वर्ड्स बता चुकी, अब आपको इंग्लिश की तरफ मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो हिंदी भी जानते रहिए, इंग्लिश भी जानते रहिए। चलिए तो मैं क्या बताई हूँ, एटम, जितने भी हमारे एटम्स हैं उनकी उनके पास तो मतलब न्यूक्लियस भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। इलेक्ट्रॉन है लेकिन उतना इलेक्ट्रॉन ही जिससे वो स्टेबल हो पाए। पैसे तो हर किसी के पास है, क्या किसी पास 10 रुपए भी नहीं होंगे, है, पर वो सब कोई स्टेबल नहीं है। वो कुछ ही लोग स्टेबल है जिसके पास अच्छा खासा जॉब हो, बंगला हो, घर हो, फिर भी वो रोता रहता है, वो अलग बात है। तो यहाँ पे क्या है ना, ये सारे जो एटम है वो अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे पास कम से कम तो 8 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो मैं कहूंगा कि हाँ मैं अष्टक, मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया, अब मैं किसी के साथ रिएक्शन या बॉन्ड नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे पहला पॉइंट क्या है, अपना ऑक्टेट को क्या करना, कंप्लीट करना। तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि चलो बताओ कि आपका कोई भी परमाणु, कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने पढ़ाई कर ली, आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, आप उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। नहीं मिलता है तो क्या बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ प्राइवेट जॉब करते हैं ना। तो उसी तरीके से अगर इस एटम के पास, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन भरपूर मात्रा में नहीं है तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ प्राइवेट जॉब करेगा। प्राइवेट जॉब का मतलब वो कुछ ना कुछ बॉन्ड बनाएगा जिससे उसकी इनकम कंप्लीट हो जाएगी। जैसे हमें भी, अब हम लोग इतने बड़े हो गए हैं, अब आप भी धीरे धीरे बड़े होंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि कब तक मम्मी पापा के भरोसे रहेंगे, हमें भी कुछ अपने अपने लिए या मम्मी पापा के लिए कुछ करना चाहिए। तो हम लोग ऐसा करते हैं ना, हम लोग को नहीं मिलता, प्रिपरेशन करते रहते पर कुछ ना कुछ जॉब करते रहते। सारे लोग यही सोचते होंगे कि कम से कम कुछ तो पॉकेट मनी तो अपने पास है। सेम टू सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है, Na क्या करेगा, उसके पास स्टेबिलिटी लाने के लिए वो कहीं ना कहीं बॉन्ड बनाएगा। और वो बॉन्ड कैसे बनाता है, ये चीजें तो क्लियर हो गई ना, बॉन्ड क्यों बना रहा है, अब आइए इसको ये समझते हैं। तो बॉन्ड बनाने के लिए बहुत सारे बॉन्ड बनते हैं। एक आपका बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध। क्या बोलते हैं उसको, सहसंयोजक बंध। अब मैं जो ये वर्ड लिख चुकी हूँ कॉपी में आपके होना चाहिए, अब उसके बाद मैं ये वर्ड को हिंदी में नहीं लिखूंगी, ठीक है। जो वर्ड का मैं पहली बार इस्तेमाल करूंगी उस वर्ड का मैं हिंदी बता दूंगी, उसके बाद नहीं। उसके बाद आपको आदत डालना पड़ेगा इंग्लिश पढ़ने का, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आ गया, सहसंयोजक बंध का मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। जैसे आप लोग पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं ना, वहां पर ऐसा ही होगा, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शेयरिंग होगी। वो बोलेगा जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ए और बी है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो बोलेंगे चलो हम दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों वो मिलकर बॉन्ड यानी बंध, समझ में आ रहा है ना, बॉन्ड बना लेते हैं। तो बॉन्ड बनाने की वजह से हो सकता है इस ए को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, पर इन दोनों के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, एक एक इलेक्ट्रॉन था। ये दोनों बॉन्डिंग कर ली तो इसके पास भी 2 हो गया, इसके पास भी 2 हो गया, क्लियर है ना, क्लियर है कि नहीं। तो इसीलिए हर कोई अपना बॉन्ड बनाता है। तो सहसंयोजक बंध में हो सकता है नंबर, मतलब यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो सिंगल बॉन्ड, 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक। अब अगर मान लीजिए 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो 2 लोगों के बीच, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, सहसंयोजक बंध। और आपको मैं बता दूं इस आपके यूनिट में आपको कोवेलेंट बॉन्ड ही पढ़ना है। एक और बॉन्ड होता है, दूसरा बॉन्ड, जिसका नाम है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। इसका एग्जाम्पल है बच्चों, आयनिक बॉन्ड का मतलब आयनिक बंध, इसका एग्जाम्पल है NaCl, ठीक। अब ये देखो Na के पास क्या है, इसके बाहरी कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन के पास क्या है, इसके बाहरी कक्षा में या वैलेंस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 पीछे 7,
7 इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए इन दोनों में मतलब बॉन्ड कैसे बनेगा, इसको चाहिए। अब मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि हर कोई अपना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा, इसके पास 1 है तो ये से 8 तो मांगेगा नहीं, बहुत ज्यादा मांगना। अगर आप किसी से हेल्प मांगेंगे तो आप बोलेंगे चलो यार 10,000 दे दो, 5,000। अब आप किसी से 8 लाख रुपए तो मांगेंगे नहीं, आपको उतना खर्च तो ज्यादा का अमाउंट नहीं मांग सकते, तो कमी कोई हेल्प कर सकता है। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन बोलेगा कि देखो भाई हम देंगे तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन क्योंकि तुम भी मुझे 1 ही इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और क्लोरीन क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। तो देखो क्लोरीन के पास कितना हो गया टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, एक इसके पास, एक इससे लिया Na से, 7 इसके पास ऑलरेडी था। ठीक है, Na के पास क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन पहले था, 1 इलेक्ट्रॉन इसके लिया, तो Na का भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, यानी Na को भी सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखो ये एक्सेप्शन केस है, आयनिक बॉन्ड का एक्सेप्शन केस है कि दोनों के पास 8-8 नहीं है, पर ये 2 में खुश है, कुछ लोग कम पैसे में खुश रहते हैं तो इसको इतना ही चाहिए था। तो ठीक है भाई खुश रहो, 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, 8 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, दोनों खुश है, इसलिए दोनों के बीच NaCl बॉन्ड बन गया। लेकिन ध्यान दो एक प्रॉब्लम यहाँ पर है, अब आप लोग बोलेंगे मैम ये तो कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, एक बात और है ना, क्लोरीन क्या है इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, क्या है इलेक्ट्रोनिगेटिव। अब बोलेंगे कि मैम ये कौन सा है, अभी मैं इसका हिंदी लिखूंगी तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का मतलब विद्युत ऋणात्मक तत्व, क्या इसको बोलते हैं विद्युत ऋणात्मक तत्व। अब ये वर्ड भी मैं ये लिख चुकी हूँ, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, दोबारा मैं नहीं लिखूंगी। ठीक है, विद्युत ऋणात्मक तत्व ये क्या होता है, कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसा एटम जो किसी के भी इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, ये क्या करता है ना इसके इलेक्ट्रॉन को हल्का हल्का क्या करेगा अपनी तरफ पुश करेगा, इसके वजह से इसके वजह से Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हल्का हल्का आने लगेगा और Cl के ऊपर निगेटिव चार्ज हल्का हल्का आने लगेगा। ठीक है, तो इसी वजह से जब भी कोई मॉलिक्यूल में, ये तो अणु बन गया ना, 2 एटम है, 2 एटम को मिलाकर मॉलिक्यूल बना, जब भी किसी मॉलिक्यूल में अगर आपको पार्शियली आंशिक रूप से पॉजिटिव निगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है तब आप लोग इसको कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बोलेंगे, तब इसको क्या बोलेंगे हम लोग आयनिक बॉन्ड। अभी के लिए आप लोग इतना समझिए आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, एक और बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या उसको बोलते हैं, तीसरा आपका क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसका हिंदी होता है उप सहसंयोजक बंध, क्या होता है उप सहसंयोजक बंध। इसमें क्या होता है, इसमें कोई एक देगा और एक लेगा, यहाँ पे तो दोनों की शेयरिंग हो रही थी, यहाँ पर भी दोनों को शेयरिंग हो रही थी, यहाँ दोनों की इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई पर कोई घमंड नहीं कर रहा था, यहाँ एक घमंड करने लगा मेरे पास इतने पैसे हैं तुम्हारे पास कम है, तो काम करता है धीरे धीरे इसके ऊपर झुकाने लगता है, इसको वो दबा के रखता है, तो इसीलिए इन दोनों के बीच में दूरियां आ गई। पर यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ अलग टाइप का केस है, यहाँ पे एक ए रहेगा एक बी रहेगा, ए वाला क्या करेगा अपना दोनों इलेक्ट्रॉन या किसी एक को डोनेट कर देगा, यानी एक डोनर का काम कर रहा है और दूसरा एक्सेप्टर का काम कर रहा है, यानी एक बस डोनेट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे दाता, जो एक्सेप्ट करेगा उसको बोलेंगे ग्राही। ठीक है, इन दोनों के बीच में ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन हम लोग को इस यूनिट में कोवेलेंट बॉन्ड को ही डिस्कस करना है। तो यहां से हमको समझ में आ गया कि हमारे केमिकल कंपाउंड में कितने तरह के बॉन्ड होते हैं, क्लियर हो गया। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, आइए तो ये देखिए अभी तक हम लोग टॉपिक पे अपने आए भी नहीं थे, चलो अब इसको देखो। इसमें कहा गया है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पाउली एक साइंटिस्ट थे, कौन से साइंटिस्ट थे, पाउली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि चलो मैं एक सिद्धांत देता हूं, जैसे मान लो मैं एक पाउली हूं, मैं पाउली साइंटिस्ट हूं, तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया कि आपके पास जो भी एटम होगा, ध्यान से मेरी बात को सुनो, जो भी एटम होगा उसके जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, यानी जो भी उसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेंगे पार्टिसिपेट करेंगे, वही पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड बनाने में, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर में मान लीजिए किसी कंपटीशन में भाग लेना है, तो आपके घर में मम्मी पापा दादा दादी सब लोग नहीं भाग लेते, सिर्फ और सिर्फ आप पार्टिसिपेट करते हैं, सेम टू सेम यहाँ पे ये बात है। चलो पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, फिर सारा हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, एक बोल आइए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन, कार्बन का एटॉमिक या नंबर वो कितना होता है 6। मैं एक होमवर्क आपको अभी से दे रही हूँ, आपको हाइड्रोजन से मतलब पूरा 1 से लेकर, ठीक है, पूरा 1 से लेकर आपको 30 तक एटॉमिक नंबर
और उस उन सभी एलिमेंट का नाम याद होना चाहिए। पीरियोडिक जो टेबल होता है वो अपने पास हमेशा रखा करो। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपके पास पीरियोडिक टेबल होना चाहिए, 1 से 30 तक लर्न कर लो। उसके बाद मैं जो आगे आगे चैप्टर पढ़ाऊंगी तो मैं आपको आगे आगे एस ब्लॉक को लर्न कर लो, पी ब्लॉक को लर्न कर लो तो बता दूंगी, उसे भी लर्न कर लेना। अगर आपको ऑलरेडी याद है तो बहुत अच्छी बात है, उसको तब पीरियोडिक टेबल को बंद रखो, खुद से ट्राई करो उसका कितना होगा। तो कार्बन का कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, कार्बन, तो इसका होता है 6। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैं ये मान के चल रही हूँ आपको आता है, नहीं भी आता तो हम लोग उसको आगे भी डिटेल में सीख लेंगे। पर यहाँ देखो कैसे हम लोग करते हैं, आप बाउ प्रिंसिपल पढ़ा है ना, आप बाउ प्रिंसिपल कैसे था, 1s था, 2s था, 2p था, 3s, 3p, 3d क्या था, 4s, 4p। जिसको आप बाउ प्रिंसिपल नहीं पता है वो पहला वाला जो लेक्चर है उसको देख कर आए, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। आपको केमिस्ट्री आप पढ़े तो आपको बेसिक से सब कुछ पता होना चाहिए। अब कई बच्चे क्या होते हैं, थोड़े से आलसी होते हैं, कहते अरे नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, बाद में समझ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। चलो तो यहां पे अब ध्यान से ये देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग 1s को भरेंगे, उसके बाद किसे भरेंगे, 1s के बाद कहाँ गया, 2s को भरेंगे, 2s के बाद किसके वो किसे भरेंगे, 2p को भरेंगे। तो यहाँ पे ऐसे वो नंबरिंग कर दो, 1, 2, 3। अब जिसको नहीं आ रहा है वो इसकी सहायता से भी भर सकता है। चलो हम लोग फिल करें इलेक्ट्रॉन को, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1s2। अच्छा एक बात बताओ, ये बात तो आपको पता है ना कि एस ऑर्बिटल में कितने बॉक्स होते हैं, 1 बॉक्स, और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। P ऑर्बिटल में 3 बॉक्स होते हैं, ठीक, और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। और भरने का भी तरीका आपको पता होना चाहिए, भरने का तरीका क्या है, पहले हम लोग जैसे आप किसी शादी में जाते हैं तो एक एक कुड़ी दिया जाता है ना, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे सीधा सीधा ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक। अब D ऑर्बिटल में क्या है, आपके 5 बॉक्सेस होते हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, कितना हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और इसी तरीके से F ऑर्बिटल में, अब ये सारी चीजें मैं बता दी हूं, अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, इसलिए ध्यान से कॉपी में नोट्स बनाकर अच्छे से लिख लेना। और वो तरीका हर चीज बता रही हूँ कैसे तरीका भर होता है इलेक्ट्रॉन भरने का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक बॉक्स और चाहिए, 7 बॉक्स, इसमें 7 बॉक्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14। कैसे भरेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ओके, क्लियर है बात, समझ में आ गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। यहां पे लिखा गया सबसे पहले हम लोग भरेंगे 1s, तो 1s में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2, उससे कम हो जाए उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी s ऑर्बिटल में आपको दिख भी रहा है 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं है, 3 लोगों को ठूस के नहीं भरा गया, बस 2 ही इलेक्ट्रॉन। चलो अभी हम लोग के पास 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग भर चुके, कितने इलेक्ट्रॉन बाकी है, 4, मैथ तो आता होगा ना। चलो 2s, अब s ऑर्बिटल में कितना भर सकते हैं, 2, 2s2। अब उसके बाद क्या आएगा, 2p, 2p क्या हो जाएगा, अब ध्यान दो हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी भर चुके हैं, अब बस मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोले, आपके ऑर्बिटल में चाहे s हो, चाहे p हो, चाहे d हो, चाहे f हो, सब में आप उसके जितना भी आपको इलेक्ट्रॉन दिया गया, जैसे आपका पेट है ना, आपको पता 3 रोटी खा सकते हैं तो 3 ही खाएंगे, 4 खा सकते हैं तो 4 ही खाएंगे, पर इससे ज्यादा मैं आपको दूं, आपको बहुत अच्छा अच्छा आइटम बना के दूं, अगर आपका पेट भरा है तो आप नहीं खाने वाले। इसका मतलब ये, इन बॉक्सेस में जितनी जगह है हम लोग उतने ही इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं, इसमें भर सकते हैं 2, इसमें भर सकते हैं 6, इसमें 10 और इसमें 14। कहा गया है पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम हो सकता है, ठीक है। तो पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग आपका है 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी भर चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को आपको 2p में भर देना है, क्लियर है। अब बात यहां से ये आती है ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे पता करें, कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बस अब ध्यान दो, अगर मैं कार्बन का एटम बनाऊं तो कैसे बनेगा, ये आपका हो गया न्यूक्लियस। अब देखो कार्बन के पास कितने नंबर ऑफ शेल है, n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पिछले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाई हूँ, यानी मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताता है, वो ये बताता है कि आपके आपका जो ऑर्बिटल है वो कौन सी कितने ऑर्बिटल है, 1 है, 2 है, 3। तो यहाँ पे देखो, यहाँ 1 ऑर्बिटल है तो 1 बना दो, ठीक, और यहाँ पे देखो ये दोनों ही आपके 2 ऑर्बिटल है, तो अब 2 बार मत बनाना, बस एक ही बार में।
इसका मतलब देखो यहाँ पे समझो बात को, वन वाले ऑर्बिटल में केवल आपका क्या है एस ऑर्बिटल, मतलब यहाँ पे आपका एस ऑर्बिटल होगा, क्लियर है बात। टू ऑर्बिटल में एस भी है पी भी है, तो मान लेते हैं यहाँ एस होगा और यहाँ पे पी होगा, ऐसे मान सकते हैं कि नहीं, ये मान सकते हैं। चलो तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे ये वाला ये बता रहे ये वन ऑर्बिटल है ये टू ऑर्बिटल है, तो आपसे कहा गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब आप ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड वहां पे लिखिए, एक सेंटेंस लिखिए, वो संयोजी यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर आउटर मोस्ट ऑफ द शेल। अब आप लोग बोलेंगे मैम इसका हिंदी हिंदी बताइए, चलो पढ़ लेते हैं इसका मीनिंग समझो, हिंदी नहीं मीनिंग समझो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब मैं यहां पे लिख दे रही हूं, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। संयोजी इलेक्ट्रॉन है, आर का मतलब है आउटर मोस्ट ऑफ द शेल, शेल का मतलब होता है उपकोष, जो आपका उपकोष है वो सबसे बाहरी उपकोष का है, ठीक है, यानी जो आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो सबसे बाहरी उपकोष के ही इलेक्ट्रॉन है। सबसे बाहरी कौन सा है, कार्बन कितने से, ये तो बीच में है, ये सबसे पहले, तो सबसे बाहरी आपका ये हो गया। तो हम लोग ध्यान दो सबसे बाहरी में, लेकिन n की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो n आपका ये भी है ये भी है, टू टू दोनों है, तो n में चेक करो s भी है p भी है, तो केवल p को नहीं लेंगे s को भी लेंगे, क्योंकि वो भी तो n का ही हिस्सा है, वो भी तो मुख्य क्वांटम संख्या का हिस्सा है। तो बात यहाँ पे ये है, हम लोग इसको दोनों को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आपका ये हो जाएगा, क्लियर है बात। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अब आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब संयोजी उपकोष इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब अब आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हिंदी भूलिए, अब ये बात को ध्यान दीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो उसका सबसे बाहरी वाली मतलब उपकोष की संख्याएं ही, इलेक्ट्रॉन की संख्या ही आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, या आउटर मोस्ट कहो चाहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहो, बात तो एक ही है, ठीक है। चलो इसका मतलब इस कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फोर। कार्बन के पास कितने हैं बाहरी कक्षा में, फोर इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं दूसरे पेज पे, यानी कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक दो तीन चार, तो इसका मतलब चार इलेक्ट्रॉन है। अभी इसको कितना चाहिए, इसको चाहिए एट इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, कितना बॉन्ड बना सकता है, चलो बताओ कितना बॉन्ड बनाएगा। अरे भाई इसको एट इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास चार इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कहीं ना कहीं जाके बॉन्ड बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, तब ना जाके इसका वैलेंसी पूरा होगा, इसको अपना अष्टक पूरा करना है, सारे के सारे काम करेंगे ना। घर में चार बेटे हैं, किसी के पास मान लो कि घर में किसी के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, सारे लोग काम करेंगे ना, तभी ना घर की इकोनॉमी को कंप्लीट कर पाएंगे, सारे के सारे जॉब करें, प्राइवेट जॉब कोई वहां स्कूल में अलग अलग जो भी जॉब करता हो, क्लियर है बात, समझ में आया। चलो इसका मतलब ये है कि अब आपको यहाँ से ये पता चल गया, हम लोग देखो मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा चुकी हूँ, अब कोई भी एग्जाम्पल आएगा आप इसी मेथड से बार बार इस चीज को अपने दिमाग में बैठाए रहेंगे, ठीक है। तो कार्बन की इसी तरह हमें पता चलता है कि कौन किसके पास कितना इलेक्ट्रॉन कितना बॉन्ड बना सकता है। इस बात से मुझे ये पता चल गया कि ये कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, कार्बन मेकिंग, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, कार्बन मेकिंग फोर बॉन्ड्स, जो कार्बन क्या करेगा फोर बॉन्ड्स को बना सकता है, क्लियर है। अब आते हैं अपने पॉइंट पर, क्या क्या था हम लोग का पॉइंट, आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट कहा गया है, ध्यान से पढ़ो, इलेक्ट्रॉन्स इन ए मॉलिक्यूल ऑक्युपाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक जो ऑर्बिटल है ध्यान समझो, एटॉमिक जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, रेदर देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अलावा एटॉमिक में जैसे एटम के ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, द ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल बोल रहा है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। अच्छा ओवरलैप करेंगे, चलो इसको भी हम लोग एक बार सीख लेते हैं क्या क्या बोल रहा है इधर। अब देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कहा गया, ये सारी चीजों को आप लोग नोट कर लीजिएगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कहा गया है ना कि आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, क्या है बोला गया है, आपके जो क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी जो परमाणु कक्षक, क्लियर है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो आपको पता है पहली बात ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, एस होता है, पी होता है,
डी होता है और एफ होता है। एस का शेप ऐसे, पी का शेप ऐसे, चलो काम करते हैं ऐसे ही बना लेते हैं। डी का शेप ऐसे, एफ का शेप पता नहीं, ठीक है ये सारी चीजें। अब एक काम करते हैं ना, दो लोगों के बीच में झगड़ा कराते हैं, एस और एस के बीच, पी और पी के बीच। तो यहाँ बोल रहा है आपके जो एटम, आपका जो मतलब जो बॉन्ड बनता है, वो बॉन्ड एक्चुअली में कैसे बनता है, कोई ऑर्बिटल, मान लो कि कोई एस ऑर्बिटल है, अरे ऑर्बिटल इतने ना, कोई भी एक ऑर्बिटल उठा लो, तो दूसरा भी एटम का एस ऑर्बिटल, मान लो कोई ए है कोई बी है, इसका एस ऑर्बिटल उठा लो और इसका क्या करो, एस ऑर्बिटल, ये आपका क्या है, एस ऑर्बिटल। अभी हम लोग धीरे धीरे सब कुछ सीखेंगे, सब कुछ, हम लोग पी तक भी पहुंचेंगे। इसका भी क्या करो, एस ऑर्बिटल उठा लो, दोनों का एस ऑर्बिटल उठा लिए। अब इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, एडिंग कराएंगे, इन दोनों का ओवरलैप। ओवरलैप कहने का क्या मतलब, ओवरलैप कहने का ये मतलब होता है अतिव्यापन। अतिव्यापन का मतलब दो ऑर्बिटल है उन दोनों का मिलना, उन दोनों का मिलना क्या होता है, ओवरलैप। चलो इन दोनों को मिलाते हैं, तो ये दोनों कैसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, ठीक। ये तो यहां पे बॉन्ड बन गया, हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां पे बॉन्ड बन गया। चलो अब ये बॉन्ड कौन सा बना, ये तो बात की बात है, यही बात एक पोस्टुलेट में लिखा गया है। चलो अब और आगे का सेंटेंस पढ़ते हैं। बोला गया है ओवरलैपिंग ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा, जिससे क्या बनेगा, केमिकल बॉन्ड बनेगा, क्लियर है। चलो द इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज, अब इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे, आइए उसको चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन आपका इधर पाया जाएगा, ये वाला रीजन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, पाया जाएगा, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, और क्या कहा गया, लोकलाइज्ड इन द बॉन्ड रीजन, लोकलाइज्ड इन द बॉन्ड रीजन ओवरलैपिंग, जहां पे वो ओवरलैपिंग करेगा तो यहां पर इसके बीच में ही इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, क्लियर है। चलो अगला पॉइंट, द मेटल बॉन्डिंग इज एसेंशियली कोवेलेंट इन ओरिजिन एंड मेटालिक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व रेजोनेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड्स। इसमें बोला गया है कोई कोई जो धातु होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, धातु का काम है इलेक्ट्रॉन को त्याग देना, इसीलिए मैं NaCl का एग्जाम्पल देते ना, Na आपका धातु है, तो क्या करता है, जरूरी नहीं है कि वहां अष्टक नियम फॉलो हो, वो दो इलेक्ट्रॉन में खुश है उसी में काम करेगा, उतने में ही ओवरलैपिंग करेगा। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब इसमें क्या काम करते हैं, देखिए देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या किया गया, दो तीन पॉइंट है। पहला पॉइंट बोला गया कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नाम से ही लग रहा है, संयोजी आबंध का सिद्धांत। पाउली ने बोला था कि आपके जो बॉन्ड बनते हैं उसका कारण यह है कि आपके दो एटम्स हैं उनके एटॉमिक जो ऑर्बिटल है, यानी एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, जिससे आपका बॉन्ड बनता है, क्लियर है। ये बात तो क्लियर हो गया। अब इसके कुछ पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं, संयोजकता बंध सिद्धांत के अभिधारणाएं, पोस्टुलेट्स पढ़ लेते हैं, आपसे कई बार एग्जाम में भी ये चीजें पूछी जाती है। पहला पॉइंट, द इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अच्छा ये यहां से स्टार्ट हुआ, पहला पॉइंट ये है, ठीक। कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म, मैंने अभी जस्ट बताया इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग हो रही है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, सहसंयोजक बंध। आर फॉर्म्ड व्हेन टू वैलेंस ऑर्बिटल, और कैसे होगा, एक एटम का वैलेंस ऑर्बिटल और दूसरे एटम का वैलेंस ऑर्बिटल, दोनों आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। चलो टू डिफरेंट एटम ओवरलैप इन द ईच अदर, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब घनत्व, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जा रहा था, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में मिल रहे थे उसके बीच में पाया जा रहा था ना, तो वहां पर डेंसिटी, इन द एरिया बिटवीन द, कहाँ, दोनों के बिटवीन द बॉन्डिंग और एटम्स इन इंक्रीजेस एंड द रिजल्ट ऑफ द ओवरलैपिंग, क्या करता है ना एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, ध्यान दो एक पॉइंट है मैं इसको समझा दे रही हूँ। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे यहाँ यहाँ यहाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ यहाँ पाए जा रहे हैं, जब ये दोनों आपस में मिले तो पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ आके इकट्ठा हो गए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यानी घनत्व बढ़ गया ना, इंक्रीज कर गया ना, इंक्रीज का मतलब बढ़ना, यहाँ पे क्लियर है ना, इंक्रीज कर गया, यही बात आपको उस पॉइंट में लिखा गया है। तो पहले पॉइंट में ये लिखा गया है कि जब भी आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे, मिलने के बाद जैसे उसके इलेक्ट्रॉन बीच में क्या होंगे, एक जगह पे उसकी डेंसिटी अचानक से बढ़ जाती है, ठीक है, ओवरलैपिंग, और ये किसकी वजह से होता है, ओवरलैपिंग के अतिव्यापन के वजह से, देयर बाय इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द, इस वजह से आपका मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी स्थायित्व, जैसे कोई स्थायी होना चाहता है ना, उसकी स्टेबिलिटी अचानक से बढ़ जाएगी, किसके वजह से, ओवरलैपिंग के वजह से।
तो इससे हम लोग एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं कि आपका अगर ओवरलैपिंग जितना ज्यादा होगा, इसको अपने नोट्स में जरूर नोट करिएगा, आपका ओवरलैपिंग यानी अतिव्यापन जितना ज्यादा से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा उतना ही क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और हमको किसी भी तरह मॉलिक्यूल को स्टेबल करना है, यही मेरा एम है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट कहा गया है, द प्रेजेंस ऑफ मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर इन द बैलेंस शेल ऑफ एटम इन मल्टीपल बॉन्ड्स। अब देखो क्या होता है, एटम मतलब एक एटॉमिक ऑर्बिटल। अभी कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, चार थे। ठीक है, चार इलेक्ट्रॉन पर इसको चाहिए कितना, आठ, मतलब इसको आठ अपना करना है ना, तो क्या करेगा, चार इलेक्ट्रॉन किसी से, मतलब वो क्या करेगा, डोनेट करेगा या किसी से उधार लेगा। तो क्या करेगा, कार्बन चार हाइड्रोजन के पास जाएगा हेल्प मांगने, बोलेगा कि तुम मुझे चारों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन में दे दोगे तो मेरा काम बन जाएगा, और हाइड्रोजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो भी कार्बन से मांगेगा। इन दोनों के बीच में यानी इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, एक एक अनपेयर्ड रहता है। कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों मिलकर पेयर हो गए इस पॉइंट में, यही आपको क्या किया बताया गया है। मैंने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, उसके वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। एटम इनेबल, क्योंकि एटम क्या इनेबल है, नहीं कर सकता खुद से बॉन्डिंग, कैसे कर सकता है, तो वो किसी ना किसी के पास जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड विद अदर एटम, ये क्या करेगा, किसी दूसरे एटम से बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बैलेंस शेल डू नॉट टेक पार्टिसिपेट फॉर्मेशन ऑफ क्या, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं ये बता रही हूं तो उसके लिए मुझे फिर से एक डायग्राम पे आना पड़ेगा। देखो ये बोल रहा है क्या, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, फोर, फोर यानी उसके एस ऑर्बिटल में, क्योंकि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या था, 1s, 2s, 2p2, तो हमको इसी का काम, ये काम है ना, तो इसी इसको हटा देते हैं, इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। चलो इसके पास क्या है, 1s p, चार इलेक्ट्रॉन। तो बोल रहा है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में साफ साफ लिखा गया है कि आपके पास अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर में होंगे, ये पेयर में ना जोड़े में, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ओवरलैपिंग में, ओवरलैपिंग में वही पार्टिसिपेट करेंगे जो सिंगल सिंगल है, अकेला अकेला है। इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन भरे तो पार्टिसिपेट क्यों करेगा, पर मुझे क्या करना है, पार्टिसिपेट करवाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्साइट करेंगे। ऐसा आपने 11th 12th में पढ़ा है तो आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि हाँ एक्साइट हम लोग वहां पर कराते थे, सेम चीज यहाँ पर है, हमको एटम को एक्साइट करा के यहाँ भेजना पड़ेगा, जिससे क्या होगा ये एटम भी सिंगल हो जाएगा और ये सारा भी एटम क्या हो जाएगा, सिंगल सिंगल हो जाएगा। अब सारे के सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अब सब कर सकते हैं, मतलब ये भी ओवरलैपिंग करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। इसी पॉइंट को उसमें क्या हुआ, साफ साफ उस पर लिखा गया है। तो इस वाले पॉइंट का यही मतलब है कि आपके पास अगर पेयर में दो इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस सेल में है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ओवरलैपिंग में, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर है, आगे चले, चलो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ो, अगला पॉइंट रीड करके आप खुद से सोचो, स्टॉप कर दो मेरे जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको, स्टॉप करो, खुद से रीड करो और सोचो कि क्या इसमें क्या पॉइंट कह रहा है मैम, जितना भी पढ़ाई है। ठीक है, एक मिनट का टाइम देते हैं। अच्छा ठीक है, आपने पढ़ा, चलो अब मैं पढ़ती हूँ। बोला गया है कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड आर डायरेक्शनल, बोल रहा है जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है सहसंयोजक बंध वो डायरेक्शनल होता है, यानी वो दिशा पर वो निर्धारित करता है, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी बना दो, एक दिशा में होना चाहिए। ठीक है, एंड और आर ऑल्सो पैरेलल टू द रीजन करस्पॉन्डिंग टू द एटॉमिक ऑर्बिटल। मान लो एक एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ है, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल वहां पे किसी कोने में है, वो दोनों ओवरलैप नहीं करेंगे, दोनों को बराबर में होना चाहिए, एक ऐसे एक ये नीचे, तो ये ओवरलैपिंग नहीं करेगा, ओवरलैपिंग बराबर में करेगा। ठीक है, ये बात का ये मतलब है, दैट आर ओवरलैपिंग। चलो दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड डिफर इन द पैटर्न। ध्यान दो, अगर सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो उसका बनाने का तरीका अलग है, ओवरलैपिंग अलग होगी, पाई बॉन्ड बनता है तो ओवरलैपिंग अलग होती है, इस चीज को हम लोग डायग्राम से सीखेंगे कैसे होगा। ठीक है, पाई बॉन्ड ऑन द फॉर्म डिवाइस, अब देखो कैसे होता है, आइए इसके लिए तो पढ़ ही लेते हैं, यहाँ पे दिखाया गया सिग्मा पाई बॉन्ड तो आपको समझ में नहीं आएगा, आइए हम लोग पढ़ते हैं। कार्बन का एग्जाम्पल लेंगे, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में है 2s2 2p2, ठीक,
एक और कर लेते हैं, इसका ऑर्बिटल बनाना है। अच्छा अच्छा बनाइए। हम लोग का एक काम करते हैं ना, कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर में था उसको एक्साइट करा देते हैं, एक्साइट करा के वो अगले बॉक्स में चला गया। अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो अगर मान लो, अब ये देखो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, अगर मैं एक 1s ऑर्बिटल ले लूं और एक क्या करूं, एक फिर से 1s ऑर्बिटल ले लेती हूं, ठीक। इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड कराते हैं। तो ऐड कराने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक। यहां पे बन गया सिग्मा बॉन्ड। ध्यान दो यहां पे एक ही जगह पे ओवरलैपिंग जोन है, इसको यहां पे आपको कितने ओवरलैपिंग जोन दिखाई दे रहे हैं, 1 ओवरलैपिंग जोन यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, बस एक ही पॉइंट है ना, ये तो पूरा क्या है, ये सिंगल पॉइंट है। अब ये बात नहीं समझ में आ रही होगी आपको, ये देखो ध्यान से, ओवरलैपिंग का मतलब अतिव्यापन, ओवरलैपिंग दो तीन जगह से हो या ओवरलैपिंग एक जगह से हो, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग एक ही जगह से हो रहा है तो हम लोग इसको क्या बोले, 1 ओवरलैपिंग। अभी मैं आपको पाई बॉन्ड बनाना सिखाऊं। ये देखो पाई बॉन्ड में एक पी वाई लो और एक दूसरा पी वाई लो, ये आपका प्लस ये माइनस, प्लस माइनस। ध्यान देना आपको कहा गया है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में साफ साफ कि आपको जब भी ओवरलैपिंग करना है दोनों का डायरेक्शन दोनों को पैरेलल में रखा जाए। ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, प्लस प्लस हो सकता है ओवरलैपिंग, और इन दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। चलो इसको क्या करते हैं, बनाते हैं ये इस तरीके से, थोड़ा गड़बड़ बन गया, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ ओवरलैपिंग जोन कितना है, 2 है। यहाँ क्या भी कितना है, 2 ओवरलैपिंग जोन। यहाँ पे दो तरीके से यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है, क्लियर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो तरीके से ओवरलैपिंग हो रहा है, यहाँ पर एक तरीके से हो रहा था, एक था यहाँ पे, दो था। और ये चीजें आपको बुक में तो मिल जाएगी, बहुत अच्छी बात है, पर आप इसको जानते रहिए आगे चल के। मुझे भी जब मैं भी पढ़ी थी ना तो वो ओवरलैपिंग जोन मुझे भी नहीं पता था, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा, ओवरलैपिंग जोन सिग्मा बॉन्ड में अकेला होता है और पाई बॉन्ड में क्या होता है, 2 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड बना पाई बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक्सियल बनता है, वो पाई बॉन्ड ऐसे बनता है, क्लियर है बात। अब मैं और भी सारा बताऊंगी जहां पे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बनेगा। चलो मैं 2-3 आपको होमवर्क देती हूँ, ठीक है, 2-3 आपको होमवर्क देती हूँ। आपको क्या करना है, आपको 1s और 2s क्या ये दोनों ओवरलैपिंग करेंगे, ये आपका 1s है और मैं आपको पढ़ाई हूँ 2s का साइज थोड़ा सा बड़ा होगा। चलो क्या ये दोनों ओवरलैपिंग कर सकते हैं, अब एक काम करते हैं, एक लेते हैं ये और एक लेते हैं ये, ये आपका PX है और ये आपका PY है, क्या ये दोनों ओवरलैपिंग कर सकते हैं, आपको यही वाला क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहला वाला है, देखते हो रहा है कि नहीं ओवरलैपिंग, ये है, यहां पे बन गया सिग्मा बॉन्ड, ओवरलैपिंग तो हो जा रहा है, लेकिन इसमें कैसे ओवरलैपिंग होगा। ये ओवरलैपिंग हम लोग यहाँ पर इस तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि ये रूल के खिलाफ हो जाएगा, तो ये ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में साफ साफ बोला गया आपको डायरेक्शन पे ध्यान देना है, डायरेक्शन पर भी ध्यान देना और वो सब पैरेलल होना चाहिए, ये पैरेलल तो है नहीं। अगर मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं या PX की जगह अगर मैं यहाँ पर PY अगर वो ले लूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं PX की जगह PY ले लूं तो हाँ यहाँ पे ओवरलैपिंग पॉसिबल है। तो इस बात का ध्यान देना, डायरेक्शन की हम लोग देखेंगे और ओवरलैपिंग जोन को ध्यान देंगे। तो सिग्मा बॉन्ड में हमेशा क्या होता है, एक ओवरलैपिंग जोन, सिग्मा बॉन्ड एक्सियल होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है, साइड वाइज, पाई जो आपका वो पाई बॉन्ड होता है यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग, क्लियर है, साइड वाइज ओपन मतलब साइड वाइज ऐसे हो रहा है और ये आपका हो रहा है क्या, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, क्लियर है बात। और इसी चीज को आपको नोट्स में दिया गया है, क्लियर है ना,
इसलिए मैं आपको सेंटेंस पढ़ के बता दूं। साफ साफ इसमें लिखा गया है कि आपका जो सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, एक दूसरे से अलग होता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में सिंगल जोन होता है, पाई बॉन्ड में डबल जोन होता है। और इसके बाद कहा गया ओवरलैपिंग, देखो अलॉन्ग एक्सिस कंटेनिंग द न्यूक्लियाई ऑफ द टू एटम लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अगर न्यूक्लियस के कहां पे कंटेनिंग, एक्सिस पे कंटेनिंग कर रहा है, तो वहां पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पे अगर, अच्छा ये दूसरा पॉइंट नहीं लिखा है क्या, अगर मान लो कि वो साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा है तो पाई बॉन्ड बनेगा। ध्यान से देखो, ये आप देखो, ये दोनों सिग्मा बन रहे हैं, देखो यहाँ पर भी ये दोनों सिग्मा है, और ये सब आपस में जो ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में पाई बॉन्ड बना रहे हैं। क्लियर है, पाई बॉन्ड पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड आपका बन रहा है, ये दोनों आपका क्या है, सिग्मा बॉन्ड। और ये यहाँ पे जो डॉट डॉट के तरीके से दिखाई, ये दोनों आपस में, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों क्या बना रहे, पाई बॉन्ड। अब आप लोग ऐसा काउंट मत करिएगा, ओ ये वाला पाई दो पाई होगा, नहीं, पाई बॉन्ड दो तरीके से ओवरलैपिंग होगा तो ही एक पाई बॉन्ड ये बनेगा। मतलब ये दोनों आपस में जुड़े तो एक ही पाई है, ये सिंगल पाई बॉन्ड ही है, दो बार इसको काउंट मत करिएगा। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। एप्लीकेशन क्या है इसकी, तो पहला एप्लीकेशन ये है, हम लोग इससे, अगर हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ चुके, अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। मैक्सिमम ओवरलैपिंग, जितना ज्यादा मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगा, आपकी जो मॉलिक्यूल्स है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। देखो फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन द सेवरल, मुझे सहसंयोजक बंध के बारे में पता नहीं था, पर जैसे ही हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़े, मुझे सहसंयोजक बंध के बारे में पता चल गया। इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है केमिकल बॉन्डिंग के, बहुत सारे केमिस्ट्री के, जो इससे इस बात को क्लियर करते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, फॉर एग्जाम्पल द डिफरेंस इन द लेंथ स्ट्रेंथ ऑफ दम। अब ध्यान दो, एच टू और एफ टू में लेंथ का डिस्टेंस है, चलो आओ इसको देखते हैं। देखा गया तो एच और एच के बीच में सिंगल बॉन्ड, एफ और एफ के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। अब ध्यान दो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास वन है, इसके पास भी वन है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से, तो ये इसके साथ ओवरलैपिंग कर लिया, ये इसके साथ ओवरलैपिंग कर लिया, दो इसके पास हो गया और दो इसके पास हो गया। एफ के पास कितना है, इसके पास कितना है, कितने है, सेवन, टू टू, बहुत ज्यादा छोटा, तीन तीन छह, एक सेवन, और यहाँ पे इसके पास कितना है, वन टू थ्री फोर फाइव, इसके पास सेवन इलेक्ट्रॉन। तो एक काम करेगा ना, ये एक इससे ले लेगा और ये एक इससे ले लेगा। ठीक, तो इसके पास कितना हो गया, सेवन इलेक्ट्रॉन, और सॉरी एट इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी एट इलेक्ट्रॉन। लेकिन बात ये है ना, इसका बॉन्ड लेंथ, अब ध्यान से इस चीज को, सेंटेंस को पढ़ो, इस चीज को ध्यान से पढ़ो। बोल रहा है कि आपका जो H2 है और F2 मॉलिक्यूल से एक्सप्लेन द बाय द डिफरेंस इन द ओवरलैपिंग, इनका जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ है, बॉन्ड लेंथ, ये दोनों में अलग अलग पाया गया, दोनों ही सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, तो इन दोनों के बीच का मैं बॉन्ड लेंथ आपको पढ़ा चुकी हूँ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच की जो न्यूक्लियस है उसके बीच की दूरी। तो ये इसका मान लेते हैं, अभी कोई एग्जैक्ट नहीं पता, टू नैनोमीटर है, टू या टू माइक्रोनमीटर कर दो, बहुत ज्यादा हो गया, टू माइक्रोनमीटर है इसका, देखा गया ना तो पांच माइक्रोनमीटर है। ऐसा क्यों, ये दोनों में डिफरेंस कैसे आ गया, तो ये बात का ये डिफरेंस है। इस पे देखो, इसकी साइज छोटी है, और एक बात है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होने लगा, इस वजह से थोड़ा सा वो दोनों दूर होने लगे। ठीक है, दूर हो गए तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है बढ़ गया, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो ठीक, ये भी किस बात से प्रूफ होता है, ये इस बात से प्रूफ होता है कि हाँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। अगला पॉइंट, द वैलेंस द कोवेलेंट बॉन्ड इन द एचएफ मॉलिक्यूल इज अ फॉर्म फ्रॉम द ओवरलैपिंग। इसमें जो एचएफ मॉलिक्यूल है, आप इसको होमवर्क में करेंगे, एचएफ मॉलिक्यूल में कैसे होगा, फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सेवन, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, वन, फ्लोरीन बोलेगा भाई मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, हाइड्रोजन बोलेगा भाई मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे, दोनों के बीच में कितने की पेयरिंग हुई है, शेयरिंग हुई है, कितने की शेयरिंग है, वन का, एच के पास भी वन का इलेक्ट्रॉन था और फ्लोरीन के पास भी एक एक्स्ट्रा, इसके पास तो हालांकि छह इलेक्ट्रॉन है, दो दो चार पाँच छह सात इलेक्ट्रॉन थे, तो पर एक एक शेयर किए, मतलब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना है। सिंगल बॉन्ड कहाँ से आया, वैलेंस बॉन्ड से आया, तो इस बात से क्लियर हो गया कि हाँ ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ही आया है। आगे चलते हैं, वो तो एप्लीकेशन था, अब इसका लिमिटेशन बताइए, लिमिटेशन क्या है। अब देखो इस चीज को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं, इंक्लूडिंग बोला गया है, फेलियर टू एक्सप्लेन द टेट्रावेलेंसी, जब कार्बन ने टेट्रावेलेंसी को एग्जिबिट किया, यानी कार्बन का टेट्रावेलेंसी कितना होता है, कार्बन CH4 का जब हम लोग बॉन्ड एंगल चेक किए थे ना,
बंध कोण, अभी मैं आगे हाइब्रिडाइजेशन इसको क्लियर कर दूंगी, मतलब जो बॉन्ड एंगल था वो आना चाहिए था 90, पर आ गया कितना 109 डिग्री। अब ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब तो हम लोग संकरण में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इस बात को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। दूसरा पॉइंट, नो इनसाइड इन द ऑफर्ड ऑन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के बारे में कोई भी बात नहीं की गई, ठीक। अगला पॉइंट, द थ्योरी एज्यूम दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज, थ्योरी इस बात पे एज्यूम करती है कि आपका जो भी कोई एटम मॉलिक्यूल बना है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन बीच में पाया जाता है, इस बात पे लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन आपका ठहरा हुआ है, एक जगह टिका हुआ है, इलेक्ट्रॉन आपका टिका हुआ है। पर ये बात, एक बात बताइए, NaCl को ध्यान से देखिए, NaCl में इलेक्ट्रॉन टिका नहीं हुआ, ये पूरा पॉजिटिव हो जाता है, ये निगेटिव हो जाता है, तो ऐसा क्यों हुआ, तो ये बात को भी एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये सारा उसका क्या लिमिटेशन है, फेलियर इस चीज का। द थ्योरी एज्यूम, ये इस बात का, अच्छा ये लोग शायद लग रहे एक ही चीज को दो बार लिख दिए, ये वही वाला है एरियाज, इट डज नॉट गिव अ क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक ऑफ द काइनेटिक स्टेबिलिटी। ये बात ये बोल रहा है कि आप जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर दे रहे हैं, तो उसमें आपका क्या है, आपका जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल बने वो कितना ज्यादा स्टेबल है, क्या वो काइनेटिकली स्टेबल है। काइनेटिक स्टेबल के आने का मतलब, अगर उसको लैब में बनाएंगे या बॉन्ड बना रहे तो कहीं ब्लास्ट तो नहीं ना होगा, तो ये सारी चीजें। पर हाँ, एफ टू में क्या होता है, एफ टू आपका फ्लोरीन बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव होता है, वो ब्लास्ट भी कर जाता है, तो ऐसा इस बात को भी थ्योरी को नहीं बता पाया ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दूसरा क्या है, नो डिस्टिंक्स बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कुछ अलग अलग टाइप के, जैसे वीक लिगेंड में आपका आ जाएगा H2O फ्लोरीन, और आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होते हैं ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है वो लिगेंड होते हैं, ठीक है। तो इसके पास जैसे CO हो गया, NO हो गया, ये सब इस टाइप के, पर ये बॉन्डिंग अलग प्रकार से करता है, ये बॉन्डिंग अलग प्रकार से कर रहा है, पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करेंगे सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही करेंगे, ये मान ही नहीं रहे ये दोनों, तो ये यहां पर भी फेल हो गया। नो एक्सप्लेनेशन फॉर द कलर, कलर भी नहीं बता पाया, कोई ऐसे ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कलर देते हैं, और ये कलर को भी एक्सप्लेन नहीं कर रहे। ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम में अगर पूछे जाएंगे लिमिटेशन, तो आप उसे लिखेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी खत्म हुआ, अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन पे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उतना चल नहीं पाया, मतलब चला सही है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स सही है, पर बहुत सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए, गलत कुछ नहीं है, उसमें कुछ बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसको एक्सप्लेन करने के लिए आए उससे भी बड़े साहब, जिनका नाम है संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। ये साफ साफ बोले हैं ना कि आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, पहली बात तो उनका एनर्जी समान नहीं है, पहली बात तो वो आपस में पहले एनर्जी को समान करेंगे, बराबर करेंगे, इक्वल करेंगे, उसके बाद ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इंडिविजुअल एटम टू द गिव ऑर्बिटल और इक्विवेलेंट एनर्जी। आपका जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, अगर एक की एनर्जी ज्यादा है एक की एनर्जी कम है तो वो दोनों कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे। ये बात को कौन बताया, इसे सब मतलब हाइब्रिडाइजेशन में ये बात को लिखा गया, ठीक। एटॉमिक कंबाइन, दो ऑर्बिटल जब वो कंबाइंड करेगा, मान लो ये ऑर्बिटल है ये ऑर्बिटल, तभी कंबाइंड करेगा जब दोनों की एनर्जी क्या हो, एक दूसरे में बराबर हो, ठीक। ये इसी को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। आगे चले, ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस में होगा ये लंबा चौड़ा जो लिखा गया है आपको क्या, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंपेरेबल एनर्जी। जब दो भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स करते हैं एक दूसरे से, टुगेदर मिक्स्ड, क्या बोला है, मोस्टली इन्वॉल्व द मिक्स्ड ये टुगेदर, एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों की एनर्जी बराबर होनी चाहिए। मान लो हम लोग एक ऑर्बिटल लिए हैं 2p और एक ऑर्बिटल लिए हैं 5p, एक बात बताओ दोनों की एनर्जी बराबर है, नहीं, 2p की एनर्जी कम है, 5p की एनर्जी ज्यादा है, तो क्या इन दोनों का ओवरलैपिंग करा सकते हैं, नहीं करा सकते। तो इस बात को ध्यान रखना, 2p ऑर्बिटल का नहीं करा सकते, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। हम लोग 2p और 2p का ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग करा सकते हैं, पर इन दोनों का ओवरलैपिंग नहीं करा सकते, इसी बात को है कि वो बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। एंड मोस्टली इन्वॉल्व एनर्जी वो मोस्टली इन्वॉल्व द मर्जिंग ऑफ द 2s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल मिक्सिंग एंड s ऑर्बिटल विद द p as well d। चाहे आप s ऑर्बिटल मिला रहे हैं, चाहे p ऑर्बिटल मिला रहे हैं, चाहे d ऑर्बिटल मिला रहे हैं, दोनों की एनर्जी आपस में बराबर होनी चाहिए। और आगे क्या कहा गया है, द न्यू ऑर्बिटल, इन दोनों के मिलने से, ओहो यहाँ पे तो बहुत अलग बात बोल दिया, एकदम अलग,
जैसा हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे कि हम लोग क्या किए, दो ऑर्बिटल को मिलाए, ये दोनों सिग्मा पॉन्ड बना लिए, पर वो बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, पहले तो दोनों ऑर्बिटल को वही मिलाइए जो दोनों की एनर्जी बराबर हो, दूसरी बात आप दोनों को मिलाएंगे तो एक नया ऑर्बिटल बनेगा, उस ऑर्बिटल को बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोला जाता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये बात एक नया कॉन्सेप्ट है, मतलब मिला जुला के बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से थोड़ा सा ये चुराए हैं अपना कॉन्सेप्ट और थोड़ा अपना डाल दिए हैं। ठीक, बोल रहे हैं कि जब दो ऑर्बिटल को आपस में मिलाते जिसकी एनर्जी बराबर, बार बार मैं ये बात बोल रही हूँ, तो उस जो नया ऑर्बिटल बनेगा उसका कुछ नाम दे देते, उसका नाम है क्या? हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये कैसे होगा हम लोग आगे सीखेंगे। मोर सिग्निफिकेंटली हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो भी आपका वो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उसका कुछ ना कुछ मॉलिकुलर ज्योमेट्री, यानी उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, ज्यामिति होगा। ठीक, उसकी कुछ ना कुछ ज्यामिति होगी, ज्यामिति होगी तो वहां पे बॉन्ड एंगल भी आएगा। आगे देख लेते हैं कैसे होगा ये। अब देखो, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको पहले देख लो। अटोमिक ऑर्बिटल विद इक्वल एनर्जी, पहला पॉइंट। हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए आपको इक्वल एनर्जी का अटोमिक ऑर्बिटल चाहिए। दूसरी बात, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अटोमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड। आपको हाइब्रिडाइजेशन, पहली बात, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, जितने आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो डिपेंड करता है कि आपने कितना ज्यादा अटोमिक ऑर्बिटल को मिक्स किया। दो मिक्स किया तो उससे क्या बनेगा, एक ही बनेगा, दोनों को मिक्स करके, तो मिक्स करने पर डिपेंड करता है। जैसे एक दो तीन को मिक्स करें, तीन से एक तीन ऑर्बिटल बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मस्ट पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन। ये बोल रहा है ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पेयर वाले हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं करेंगे। इवन कम्प्लीटली फिल्ड, कभी कभी क्या होता है, जो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, जैसे मैं बताई थी ना एस ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, पर ये बोल रहा है हाइब्रिडाइजेशन नहीं, पार्टिसिपेट कर भी लेते, कभी कभी हो भी जाता है। अब देखिए, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। अब क्या बोल रहा है, हाइब्रिडाइजेशन हैपेंस ओनली ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। बोल रहा है हाइब्रिडाइजेशन से ही बॉन्ड बनता है, इस बात को मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, एंड नॉट इन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अगर आपका कोई एटम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बेचारा अकेला बैठा है, ये कभी भी बॉन्ड नहीं बना पाएगा जब तक ये किसी से मिलेगा नहीं, बी से नहीं बनेगा। अभी इसको फैमिली बढ़ाना है तो शादी तो करनी पड़ेगी ना, तो ये इसका क्या है, हंसता खेलता परिवार। तो ये बॉन्ड क्या बनाएगा, अकेले कभी भी नहीं बना सकता। ठीक, अगला क्या है, मॉलिक्यूल का जो शेप है, उसका जो आकार है, आकृति है, वो डिपेंड करता है कि क्या उसका हाइब्रिडाइजेशन है। सब चीज हम लोग आगे सीखेंगे, पहले ये, पहले एक जितना भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको पढ़ लो। चलो, अब उसके, क्योंकि मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री भी तो पता होना चाहिए। अगला पॉइंट बोल रहा है, जिसका बिगर लोब होगा, जैसे मान लो एक ऑर्बिटल, ये मान लो पी ऑर्बिटल है, एक और पी ऑर्बिटल लो, और ये कौन सा पी ऑर्बिटल है, ध्यान दो, ये मान लो मैं 2px ली हूं, तो ये भी आपका 2px ही होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 2p/2pz ले तो नहीं काम करेगा। ठीक है, 2pz काम करेगा, क्योंकि वो भी अगर एक्सियल में लेंगे तो। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों का क्या करना है, ओवरलैपिंग कराना है। तो ये बोल रहा है इन दोनों को जैसे ओवरलैपिंग करके हाइब्रिड वाला बनाएंगे, तो हाइब्रिड वाला सेम टू सेम नहीं बनेगा, थोड़ा सा अलग बनेगा। ऐसे ये नेगेटिव और ये पूरा पॉजिटिव, दो पॉजिटिव को मिलाए तो पॉजिटिव की संख्या ज्यादा हो गई ना, इसलिए ये बिगर लोब हो गया। क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, लोब बोलते हैं, मैं पिछले क्लास में आपको पढ़ा चुकी हूँ, लोब इसे बोलते हैं। तो ये कौन सा लोब है, बिगर लोब है। क्या हो रहा है, ये क्या है, बिगर लोब। क्लियर है, यहाँ पे इन दोनों को मिला तो बोल रहा है बिगर लोब ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ दोनों को मिलाएंगे तो दोनों का लोब से क्या बड़ा ऑर्बिटल बनेगा, जिसपे पॉजिटिव साइन होगा। देखो पॉजिटिव साइन है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब मैं इसी चीज को ऐसे बना दूं, इन दोनों को भी मिलाएंगे तो बीच में आपका ऐसे कुछ बनेगा। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों का साइन समान होना चाहिए। साइन क्या होगा, इक्वल होना चाहिए, माइनस माइनस तो ही होगा। अगर मैं ऐसे बना दूं, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये ओवरलैपिंग नहीं कर सकता, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ये बात तो है।
ठीक है। तो इसीलिए अगर स्मॉलर ऑफ द अपोजिट साइड, ध्यान दो अगर ये दोनों को बी, ये दोनों को समान मात्रा में मिला रहे हैं तो ये बड़ा हो गया और वो दोनों तो मिल ही नहीं रहे, वो दोनों छोटे हैं। इसी तरीके से इसमें ये दोनों बड़ा है वो छोटे हैं, तो बड़े वाले लूप को बोलेंगे बिगर लूप, छोटे वाले को स्मॉलर लूप, ठीक है। अगला क्या है, अब इसका कुछ एग्जांपल है, जैसे ये वाला CH2Cl और ये क्या एसिटिलीन है, ये सारे हैं, ये सारा आपको एग्जाम्पल है। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या है, अब हम लोग अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे। तो चलो इसको देखने से पहले एक चीज हम लोग देख लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होगा कैसे। एक एग्जांपल मैं करूंगी, बाकी का आप क्या करेंगे खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। पहला हम लोग एग्जांपल करते हैं, अब मैं एक एक एग्जांपल, पहले तो हाइब्रिडाइजेशन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन के मेनली आपके क्या है, मेनली जो आपको पढ़ना है सिलेबस में दो तीन पढ़ने हैं, एसपी एसपी टू और एसपी थ्री, ठीक। अब देखो कैसे करेंगे, पहले एक काम करते हैं, मैं sp3 का एग्जांपल लेकर चलती हूँ और sp2 sp3 को समझा दूंगी, वो आप खुद से ट्राई करेंगे। sp3 का क्या होता है, sp3 का आपका होगा CH4, इसका एग्जांपल है। तो चलिए पहला आपको काम करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो 1s2 2s2 2p2। अब आते हैं ऑर्बिटल बनाते हैं, क्या करेंगे ऑर्बिटल बनाएंगे, अब इसमें क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। कैसे करेंगे फिल, आता है ना फिल करने, और ध्यान दो हमको सिर्फ और सिर्फ किसको लेना है, हमको सिर्फ और सिर्फ लेना है इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका ये है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और हमको इसी से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को भी बताया गया और इसी से हाइब्रिडाइजेशन को भी बताया गया। चलो इलेक्ट्रॉन को फिल करो, वन पहले एस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, टू वन टू, ऐसे है ना एस ऑर्बिटल, ये आपका क्या है 2s2 और ये आपका 2p2, क्या ये सही है। अब इसको क्या कर सकते हैं, पेयरिंग करेंगे, मतलब इसको एक्साइट करा देंगे, क्यों, क्योंकि आपको एग्जांपल में अभी हाइब्रिडाइजेशन में साफ साफ बोला गया है कि आप इसको पेयरिंग में लेकर चल सकते हैं, लेकिन कार्बन के पास चार है इलेक्ट्रॉन, तो वो चार बॉन्ड बनाएगा, चार बॉन्ड, और आपको दिख भी रहा है चार हाइड्रोजन बाहर बैठे हैं, तो चारों को में चार इलेक्ट्रॉन उसके पास सिंगल सिंगल चाहिए, तो वो क्या करेगा एक को यहाँ पे एक्साइट कर देगा। तो ये कुछ इस तरीके से एक काम करते हैं, एक्साइट कर देगा, तो एक काम इरेज करके, चलो तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक, क्लियर है बात। अब आएंगे चार हाइड्रोजन, बोलेंगे कि भाई हम लोग आ गए अब मुझे दो, तो ये चार हाइड्रोजन के पास क्या है, पहले बात तो हाइड्रोजन का भी कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन का होता है इसके पास होता है वन, यानी 1s1, इसके पास एक ही ऑर्बिटल है और एक ही ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये वाला थोड़ा छोटा बन गया, चलो कोई बात नहीं, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और ये सारे के सारे क्या है 1s1 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो 1s1 हाइड्रोजन, 1s1 हाइड्रोजन। ये सारा मैं डिटेल में इसलिए बता रही हूं क्योंकि अगला वाला एग्जांपल आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है, ऐसे बना लिए। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे बॉन्डिंग होना शुरू हो जाएगा, ये क्या करेंगे बॉन्ड बना लेंगे। अब चलो ऑर्बिटल का नाम दे देते हैं, ये 2pz तो है, पर 2pz में क्या है, कौन सा है, ये 2px है, ये 2py है और ये 2pz है, ये तो ऑलरेडी है ना 2s, चलो, और ये सारे के सारे क्या है 1s। अब यहां पे ध्यान दो, इसके पास क्या है, कार्बन के पास क्या है, पहली बात तो 1s है, तो एक काम करेगा कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ऐसे इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और इसके में, मतलब यहां पे चार बॉन्ड बन गए, ठीक ठीक। अब देखो
sp3 पहले हम लोग तीन प्रकार के पढ़े ना, तो पहला आपका क्या है, पहला आपका इक्वेशन में, अच्छा पहला आपका sp है ना, तो हम लोग नीचे से पढ़ते हैं sp3। कहाँ गया भाई? sp3 में साफ साफ बोला गया है कि जब भी आपका एक s ऑर्बिटल होगा और तीन आपके क्या होंगे, p ऑर्बिटल, इसीलिए इसका नाम दिया गया है sp3। क्या नाम दिया गया है? sp3। ये बोला गया है बिलोंगिंग टू द सेम शेल एटम, और ये सब आपस में मिक्स करेंगे, मतलब हाइड्रोजन का ये सारा आपस में मिक्स करेगा, मिक्स करने के बाद एक नया ऑर्बिटल बनेगा, द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड, इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को, हाँ इसमें कौन सा ज्योमेट्री होगा, टेट्राहेड्रल, या इसको क्या बोलते हैं, चतुष्फलकी, क्या बोला जाता है, चतुष्फलकी। ठीक, क्लियर है, हाइब्रिडाइजेशन होगा जिसपे क्या बोलेंगे, sp3। चलो आगे चलते हैं, उसके बाद बोला गया है यहाँ पे दीज आर डायरेक्टेड टू द कोर, और इसमें जो एंगल होगा, इसमें जो आपका क्या होगा एंगल होगा, वो 109° 28' का होता है। ठीक है, आगे चले, और ये फिर, और इसमें क्या होगा, हाँ बॉन्ड एंगल आपको पता चल गया, इसमें ज्योमेट्री कैसा होता है, टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकी, और इसमें हाँ अब इसमें एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर के, इसमें बोला गया 25%, इसको भी ध्यान देना, इसमें एस कैरेक्टर आपका 25% होता है और आपका पी कैरेक्टर, आपका पी कैरेक्टर कितना होता है, पी कैरेक्टर होता है 75%। ये हम लोग सीखेंगे कैसे, इसका एग्जाम्पल है C2H6, ठीक, C2H6, या और भी एग्जाम्पल है CH4, यही एग्जाम्पल इथेन का। ठीक, तो मैं आपको CH4 बना रही हूँ, आप घर से C2H6 को ट्राई करेंगे। चलिए आते हैं अब अपने डायग्राम पे जो हम लोग बना रहे थे, आते हैं। अब यहाँ पे ऑर्बिटल्स आपके पास है, तो एक काम करते हैं ना, इसको कुछ, अब इसको इरेज करते हैं, कार्बन है, तो यहां पे क्या होगा, टेट्राहेड्रल, यानी टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। ठीक, अब यहां पे एक वन ईयर आएगा ऑर्बिटल, ये वन, ये सारे के सारे ऑर्बिटल है, ठीक है, एक वन ईयर इसका हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन इसको घेरे हुए है ना, चार हाइड्रोजन सारे के सारे क्या बना रहे, सिग्मा बॉन्ड, सारे के सारे क्या बना रहे, सिग्मा 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 सिग्मा, और ये क्या है, वन ईयर्स हाइड्रोजन, क्या है ये, वन ईयर्स हाइड्रोजन, वन ईयर्स, वन ईयर्स हाइड्रोजन, क्लियर है, और ये आपका यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड पाया गया है 109° 28' और ये आपका स्ट्रक्चर कैसा है, टेट्राहेड्रल, या इसको बोला गया चतुष्फलकी, और ये है मीथेन का स्ट्रक्चर, क्लियर है, CH4। इस तरीके से आप क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो C2H6 का खुद से ट्राई करेंगे, ये आपका इसी तरीके से आपका संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, ऑर्बिटल को मिक्स कराते हैं, तो ऑर्बिटल को मिक्स करा दिए, अब यहाँ पे हम लोग ये सीखते क्या, अब ये देखो ध्यान दो, इसका टाइप्स बोला गया, तो कितने टाइप्स के होते हैं, sp3 भी होता है, यानी इसमें s ऑर्बिटल, हाँ एक चीज और, इसमें मैं आपको बताई थी s और p कैरेक्टर निकालने के लिए ना, तो यहाँ पे देखो कितने ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, एक s ऑर्बिटल मिल रहा है, तीन p मिल रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, sp3, ये क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्या है ये, हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक बात बताओ, s और 3p, 3p है, तो इसको हम लोग 100 के बराबर मान सकते हैं, परसेंटेज ये मान सकते हैं, 100 में से s कितना है, 25, और ये कितना है, 75, अरे 25 और 75 को प्लस करेंगे तो ही तो 100 के बराबर होगा, क्लियर है ना, तो यहाँ पे एस कैरेक्टर कितना, मतलब एस इसके पास कितना है, 25%, और पी कितना, 75%। तो आपका होमवर्क ये है, C2H6 का स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरीके से, अब उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है बनाकर, उसका एस कैरेक्टर, पी कैरेक्टर, उसका बॉन्ड एंगल सब कुछ निकाल के खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, sp3। अब हम लोग एक मैं sp का बनाऊंगी और एक sp2 का बनाऊंगी, उसके बाद आप खुद ट्राई करेंगे। चलो क्लियर है यहाँ पे, हाँ अब इसमें क्या बोला गया है, आइए इसको देख लेते हैं। हाँ, तो हो सकता है आपके पास sp3 हो, sp2 हो, sp, आपको मेनली इतना ही पढ़ना है, ये सारा आपके सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी
आपको आगे आज चलता है, अभी आप बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे ना, तो धीरे धीरे ये सारी चीजें भी आएंगी, तो मैं आपको पढ़ाती रहूंगी, ठीक है। इसमें बोला गया कि एक एस है, तीन पी और एक डी ऑर्बिटल भी घुस गया है, मतलब वो भी क्या करेगा, वो बोलेगा हम भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे नहीं होते छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, आप झूला झूलते हैं तो बोलते हैं हम, वो सब जिद करने लगते हैं हम भी बड़ा वाला झूला झूलेंगे, हालांकि झूल नहीं पाते हैं ना, ऐसा होता है। डिस्कस द वेरियस स्टेप। अब यहाँ पे हम लोग वेरियस स्टेप में, पहला आपका एसपी है, जिसमें एसपी, अब एसपी हाइब्रिडाइजेशन में आपका बॉन्ड एंगल याद कर लो कितना होता है, 180 होता है, इसका ऑर्बिटल क्या था, एक हम लोग सिखा देते हैं, एक आपको बी सी एस टू, चलिए आते हैं एसपी और एसपी टू का भी कर लेते हैं। ये देखिए एसपी ऑर्बिटल में क्या है, दो ऑर्बिटल बनेंगे, अब ये कैसे बनेगा, चलिए आते हैं इसी में बना लेते हैं ना, क्या है बीई एच टू, तो बेरिलियम का कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, फोर होता है, तो इसका होगा 1s2 2s2, इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब ये क्या करेगा, बगल वाले के इसके पास 2p भी है पर इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली है, तो ये क्या करेगा, इसको एक्साइट करेगा, एक्साइट करेगा तो ये ऐसे हो गया और ये ऐसे होगा, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। अब आपको दिख रहा है इस एग्जाम्पल में दो हाइड्रोजन बैठे, मतलब इसको दो ऑर्बिटल खाली करना पड़ेगा तभी तो दो हाइड्रोजन आएंगे। अब यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन और यहाँ पर भी आ गया हाइड्रोजन, बोलेगा मैं अपने एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें दे देता हूँ, इसमें भर देता हूँ, और हाँ तो क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यहाँ फिल कर दिया, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का हो गया। तो एक बात बताओ, दो ही ऑर्बिटल आया, एक एस ऑर्बिटल आया और एक पी ऑर्बिटल आया, अच्छा एस ऐसे नहीं, एक क्या हुआ, एक देखो बेरिलियम आपका बी क्या बीच में है, इसके पास दो 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 ही क्या है, लोब है, तो एक आपका हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, दोनों के बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा, तो जब भी आपका दो सिग्मा रहता है तो वो आपका एसपी हाइब्रिडाइजेशन, और देखो कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर है। अब एक बात बताओ, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो बीई एच टू को ऐसे लिख सकते हैं। अब बताओ इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल ये देखो 180 है कि नहीं, इस बात से क्लियर हो गया 180 एंगल है। अब आते हैं हम लोग किस पे, तो हर चीज का ज्योमेट्री याद रखना, इसका ज्योमेट्री क्या है, लीनियर, रेखीय या लीनियर, ठीक है। अब चलो लास्ट में आपका क्या है, एसपी टू, जिसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन, चलो इसका कैसे होगा स्ट्रक्चर, और इसमें कितना आपको एस करेक्ट, हाँ जो हम लोग एसपी वाले में चेक कर लो, एसपी वाले में कितना था, अगर एसपी में एसपी कैरेक्टर है तो दोनों कितने होंगे 100% के बराबर, तो इसको 100 कैसे करना है, मान लो ये 50 ये 50 तो 100 हो जाएगा, तो एस कैरेक्टर इसमें कितना होगा 50, इसमें पी कैरेक्टर कितना होगा 50, तो ध्यान से देखो इसमें एस कैरेक्टर, और ये नहीं दिया क्या भाई, हो सकता है सर नहीं दिया, चलो पॉइंट नहीं लिखा पर आप इसमें लिख लीजिएगा, इसमें एस कैरेक्टर कितना होगा 50% और आपका जो होगा पी कैरेक्टर, वो पी कैरेक्टर भी आपका 50% है, ठीक। आगे चलते हैं sp2 भी हाइब्रिडाइजेशन में, इसका जो शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर होता है, इसमें एक एस ऑर्बिटल और दो पी ऑर्बिटल है, जैसा कि नाम से भी क्लियर है, एस ऑर्बिटल और दो पी ऑर्बिटल, अच्छा तीनों को मिलाएंगे कितना बनेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीन बनेगा ना, sp3 में कितना बन रहा था, चार बन रहा था, क्योंकि तीन इसको जोड़ो एक इसको जोड़ो चार हो जाएगा। चलो अब इसका शेप देख लेते हैं, इसमें देखो एस कैरेक्टर कितना है, अब देखो यहाँ पे 120 का एंगल है, इस सारे पॉइंट्स को याद कर लेना, इसमें ट्राइगोनल सिमेट्री होता है, ये भी याद कर लो, इसमें 33% क्या होगा कैरेक्टर होगा किसका किसका, और एंड 35% पी कैरेक्टर, ये आपका एस कैरेक्टर है, ये आपका क्या है, ये आपका होगा एस कैरेक्टर, ठीक, और ये पी कैरेक्टर, ठीक है। तो इसका बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है, BF3 BH3 बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो BH3 का मतलब बी H, इस तरीके से, और ये आप खुद से ट्राई करेंगे, इसके बीच का 120 एंगल आता है, तो यहाँ पे आपका बॉन्ड एंगल भी इसी में इंक्लूड हो गया। तो मैं एक समरी लिखवा देती हूँ, वो आपका लास्ट में, आपने क्या क्या सीखा समरी, तो आपका क्या है, हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है, BBT उसको पढ़ चुके हैं, दूसरा आपका क्या है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, उसको पढ़ चुके, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल जितना भी है आप खुद इसे ट्राई करेंगे, तो आपके होमवर्क में क्या है, होमवर्क में जितने भी आपके पास एग्जाम्पल्स हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के सब कुछ चेक करेंगे, ठीक है।
और तीसरा आपका क्या है, इसी हाइब्रिडाइजेशन में ही आपको आपको तीन पढ़ना है, एसपी, एसपी टू और SP3। इन सब का ज्योमेट्री एग्जाम्पल ये सब कुछ आपको होमवर्क में क्या करना है, जितना आपको एग्जाम्पल दिख रहा है वो सब कुछ आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या समरी नहीं, एक तरह का होमवर्क ही है, तो ये सारी चीजों को एक बार रिवाइज कर लीजिए। और इसी में आपका बॉन्ड एंगल भी कंप्लीट हो गया, तो ध्यान दीजिएगा एसपी, एसपी टू और SP3। एसपी में आपका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 होता है, एसपी टू में कितना होता है, 120 डिग्री, और SP3 में होता है 109 डिग्री 8 मिनट। ये याद कर लेना, एसपी का जो शेप होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है, ठीक। और जो SP2 का शेप होता है वो कैसा होता है, ऐसे होता है, SP2 का शेप। SP3 का शेप कैसा होता है, ऐसे, क्या होता है, टेट्राहेड्रल, ठीक है, क्लियर है ना ये सारी चीजें। तो अगर मैं आपको इसको ऐसे करके मिला दूं तो आपको शेप समझ में आ जाएगा। ये आपका 180 है एसपी, ये आपका क्या है ट्राइगोनल प्लेनर, ये आपका क्या है टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय। अब हम लोग हिंदी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सब चीजें को इंग्लिश वगैरह आ गया, हम लोग को सारी वर्ड्स मैंने आपको सिखा दी। तो यहाँ पे आपका हाइब्रिडाइजेशन, VBT वगैरह सारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब इसके क्या है ना, अब इसमें कुछ पढ़ना नहीं, अब इसमें सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। तो आप खुद से बार बार ट्राई करेंगे, नहीं आता है आप मुझे एक मतलब आपका जो ग्रुप बना है उसमें आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। लेकिन मैं मैसेज करने के बाद आपका एक स्क्रीनशॉट होना चाहिए कॉपी में कि हाँ मैं ट्राई करी थी या ट्राई कर रहा था तब मुझे नहीं आया, वहां मुझे डाउट है, मैं वही चीज को बताऊंगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देना, बिना मेहनत का कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन पे, हर एक एग्जांपल पे ट्राई करना है, अपना दिमाग सोचना है कि मैम वहां पे क्या बताई थी, यहाँ कैसे हो सकता है। तो एक दो बार, दो तीन बार ट्राई करिए, नहीं आएगा मैं बताऊंगी, पर ट्राई जरूर करेगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं VCPR थ्योरी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।